ये क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड टफ इफ ऑल द लीटर वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ऑर्डिनरी डिक्शनरी, यानी वर्ड टफ की पोजीशन क्या होगी इनके सारे लेटर से जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बनाए जा सकते इसको अरेंज किया जाए डिक्शनरी में तो इसकी पोजीशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास ट्रिक क्या, ध्यान दो, सबसे पहला काम है जो वर्ड दिया गया टी ओ यू जी एच आप लिख लो, अब इसको अरेंज करो, अरेंजिंग करो, तो आप देखोगे टफ के अंदर सबसे पहला जो वर्ड होता है ए बी सी डी ई एफ जी, जी आपका फर्स्ट है, एच आपका सेकंड है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओ आपका क्या है थर्ड है, आर एस एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आपका फोर्थ, टी क्या आ जाएगा फोर्थ, और ये आ जाएगा आपका फिफ्थ। अब आपने देखा कि ये हमारा फोर्थ पोजिशन है, फोर्थ से कम कितने नंबर है चेक करो, वन टू थ्री, थ्री नंबर है तो यहाँ पे आप थ्री लिख दो, ये ओ आपका थ्री पोजिशन है, थ्री से छोटे कितने नंबर है दो, तो यहाँ पे आप दो लिख दो, ये फाइव है, फाइव से छोटे कितने नंबर है टू, यहाँ टू लिख दो, ये वन है, वन से छोटा कुछ भी नहीं है जीरो लिख दो, दो से छोटा कुछ नहीं है जीरो लिख दो। अब टेक क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट करो, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल एंड फोर फैक्टोरियल। अब आप देखोगे कि इसको मल्टीप्लाई करना, दिस मल्टीप्लाई इन प्लस, ये तीनों को मल्टी, ये जीरो इंटू वन जीरो, ये जीरो आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थ्री इंटू में आपको मिलेगा फोर फैक्टोरियल, प्लस में आपको मिलेगा टू इंटू में थ्री फैक्टोरियल, और फिर प्लस में आपको क्या मिलेगा टू इंटू में टू फैक्टोरियल, और ये दोनों क्या है जीरो आ गया। अब आप देखोगे इफ थ्री इंटू फोर है, फोर फैक्टोरियल क्या होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू, डेट इज फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, थ्री जा सेवेंटी टू, ये मिलेगा। आप इसको देखोगे थ्री टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व मिलेगा, प्लस में ये आपका आ जाएगा फोर, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो फोर टू सिक्स और टू क्या आ जाएगा एट, और ये आ जाएगा एट्टी एट। अब आपसे अगर पूछा जाए कि टफ से पहले कितने वर्ड बनेंगे तो एट्टी एट बनेंगे, टफ की पोजिशन क्या है तो एक इसमें ऐड कर देना है, यानी राइट आंसर क्या आ गया 89। थैंक यू।